बच्चे को 10 मिनट सुनना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आसान है, मुंह छुपा उपा के हम लोग पढ़ लेने, है ना। आसान चीज बाबू कैसे पढ़ा जाता है, शर्म के मारे मुंह छुपा के पढ़ा जाता है ना, आसान चीज रहता है जो, जैसे आप लोग 4 में आपको कोई पढ़ाई 2+2 कितना, तो है ना मुंह छुपा के ना पढ़ोगे जानवे कर, तो वैसे यही चीज है ना, ये आसान है ना। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। तो अलजेब्रा में क्या चल रहा है सर, एडिशन चल रहा है। तो पूरे इंडिया में पृथ्वी पे जितना भी टाइप का एडिशन पॉसिबल है अलजेब्रा से रिलेटेड सारा सीख लेंगे, इसके बाद जिंदगी में कभी पढ़े की जरूरत नहीं है। 6 में पढ़ो, 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं ना, सारा एक के बार सीख लेंगे। यही होता है कॉन्सेप्ट क्लास, है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा करके नहीं, थोड़ा सा आज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अगला साल, थोड़ा सा तीसरा साल, सारा हम लोग एक ही बार सीख लेंगे, कोई भी बुक से बना बन जाएगा। अलजेब्रा में हमने डिफरेंट टाइप करते हुए क्वेश्चन 216 पहुंच गए, 216 पहुंच गए, जितना भी पॉसिबल केस है, कागो और बच रहा है उसको भी बता देंगे मिक्स फ्रैक्शन का, फिर फिनिश हो जाएगा। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ वेरिएबल में क्या है, डिनोमेटर में क्या है, वेरिएबल है, तो जितना टाइप का अलग अलग वेरिएबल रहेगा सारे को एलसीएम ले लेना। मतलब अगर एलसीएम लोगे, शांति समझना, हम लोग जब भी डिनोमेटर में रहेगा तो एलसीएम ऑफ एक्स बाय वेरिएबल का एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे सर, तो दोनों अलग अलग है ना, जैसे बाबू शांति से समझना, जैसे 2-3 का अगर कोई एलसीएम पूछता है तो दोनों अलग नंबर रहता है, को प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इसका एलसीएम कैसे कर देते हैं, 2 × 3 कर देते तब सिक्स आता है, अरे यहाँ प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम 2 × 3 = 6 कर देते हैं, ठीक। तो उसी तरह से ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो इसका एलसीएम क्या क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक एलसीएम ऑफ एक्स बाई कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बाई, ठीक। शांति से समझते, 20 मिनट शांति से सुनना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं, वो सबसे आसान यही है। अब बाबू सर अन्य क्या बोलते हैं सर, अभी बाबू डिनोमिनेटर में लिखना भूल जाते हैं, बाबू होमवर्क भेजते हो डिनोमिनेटर में लिखना भूल जाते हो जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो एलसीएम हमको आगे सर, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है ना, जब डिफरेंट वेरिएबल रहेगा तो एलसीएम कैसे लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे एक्स मल्टीप्लाई, तो ये दो वेरिएबल ऐसे मतलब बीच में क्या मल्टीप्लाई का सिंबल है, वेरिएबल 2 को 3 को लिखल रहता है ना, जो कहीं ए बी सी, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं देते, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ए बी सी, मतलब बाय डिफॉल्ट समझते हैं तीनों वेरिएबल आपस में कैसे मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, है ना, मैंने ये मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं देते, अच्छा नहीं लगता है ना, सुंदरता खराब हो जाता है ना, लेकिन ऐड रहेगा तो आपको जैसे ए प्लस बी प्लस सी अगर ऐड है तो आपको देना पड़ेगा, है ना, ठीक। शांति से समझो और शांति से सुनते चलो। हमारा एलसीएम एक्स वाई हो गया तो एक लाइन ड्रा करेंगे सर, एक्स वाई लिखेंगे डिनोमिनेटर में, एक्स वाई मतलब क्या है, एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक ठीक बाबू। अब उसके बाद जोड़ी मिलाओ किससे, यहाँ एक्स यहाँ वाला पहला टर्म, ये पहला टर्म है तो पहला टर्म का हिसाब किताब करो, अब शांति से समझना, यहाँ पर यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है, बाई वाला नहीं है, या यहाँ बाइक वाला टर्म ज्यादा हो रहा है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स मिल गया तो कौन नहीं मिला, बाई नहीं मिला, तो बाई यहाँ लिख देना है, न्यूमरेटर में जो है मल्टीप्लाई कर देना, तो बाई मल्टीप्लाई 4 है ना, ठीक सर। बीच में प्लस है, प्लस दो, शांति से समझते तो 4 नहीं कर सकते, एक्स इंटू 4 सीखो ना, शांति से सीखो ना, बाई एक्स कहाँ गया, ठीक। नेक्स्ट बाई है, यहाँ बाई है, तो बाई बाई मिल गया, यहाँ का बाई मिल गया, तो यहाँ क्या ज्यादा हो गया, एक्स हो गया ज्यादा, तो हम लोग यहाँ एक्स लिख देंगे और जो न्यूमरेटर में वो मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में बाई है 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 4 × बाई या बाई इंटू 4 है ना, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ध्यान देना, 2 × 3 करोगे तो कितना होगा, 6 होगा, और 3 × 2 भी करते हो क्या होता है, 6 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में बाबू है ना एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है ना, मतलब पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट चेंज नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं, बाई इंटू 4 लिखो चाहे 4 × बाई लिखो, दोनों सेम ही होता है, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है ना, ठीक। तो जनरली ऐसा फैशन है बाबू, शांति से समझते चलो, फैशन है ये सब, फैशन है ना, बाई इंटू 4 लिखने में अच्छा नहीं लगता, तो जब भी बाबू वेरिएबल रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, बाई वेरिएबल है 4 कांस्टेंट है, तो ऐसा फैशन है, कैसे बाबू आप लोग लैकमे फेनल लगा के एकदम गोर गोर होते हैं, तो इसमें फैशन क्या कहता है कि पहले कांस्टेंट लिखो उसके बाद वेरिएबल लिखो। जब भी एक नंबर वेरिएबल रहे कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को हमेशा पहले लिखना और वेरिएबल को बाद में लिखना, है ना, ऐसे दे बाई 4 ऐसे नहीं लिखते, लिखना गलत नहीं होगा,
लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे बाबू मान लो आपको बाबू लिपस्टिक लगाना, तो होठ पे लगाओगे, नाक पे लगाओगे तो अच्छा लगेगा जी, नहीं ना लगेगा। हर एक चीज मोबाइल देख रहा है, हर एक चीज का क्या होता है, जगह होता है ना बाबू। यहाँ होठ रंगना तो आराम से रंगोगे, अगर नाक को रंगोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर बाई फोर है बाबू, तो बाई फोर ऐसे ना लिखेंगे, फोर इंटू बाई, मैंने कॉन्स्टेंट को पहले लिखा जाता है, वेरिएबल को बाद में लिखा जाता है ना, ठीक है ना। हाँ सर, ये तो सही बात है सर, है ना, ठीक है बाबू, ठीक। ऐसा समझे, पहले बाई इंटू फोर कितना होगा, लिखने में बीजी, इसीलिए इसका छूट जाता है डिनोमेटर में वेरिएबल। बाई इंटू फोर क्या होगा, फोर बाई, अब एक्स इंटू फाइव क्या लिखेंगे, बीच में प्लस है, प्लस दो, 5x हो गया, डिवाइडेड बाय कितना, x बाय। अब ये फर्दर ऐड होगा कि नहीं होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो ये y है, ये x, अदर वेरिएबल हो गया तो ये ऐड नहीं होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, यही हो गया, मतलब इसका एडिशन क्या हो गया, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, फर्दर सॉल्व नहीं होगा, है ना, सॉल्व नहीं होगा। तो इसका एडिशन क्या हो गया, यही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो, जिसको नहीं समझ में आया अगला मतलब सकते हैं, y4, y4. By four नहीं लिख सकते, बोले before by लिखेंगे, constant को पहले लिखेंगे, variable को बाद में लिखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग डिनोमेटर में जो भी रहेगा उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ x, y, z, तो तीनों अलग अलग टाइप का वेरिएबल है ना, तो एलसीएम क्या लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x by z, अलग अलग टाइप का वेरिएबल है तो तीनों को सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करना, एक क्या करना, लाइन ड्रा करना, कहाँ ड्रा करें, यहाँ ड्रा करें, तो लाइन ड्रा करेंगे, लाइन के नीचे जो एलसीएम आया एक्स बाई जेड, ठीक। अब यहाँ से मिलाओ, मिलन करवाओ, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स मिल गया, मिलन करो, पहला टर्म को मिलन करो। हाँ जी, नेम वाला ऑप्शन हटा दिए, हाँ ठीक, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, मिल गया, क्या नहीं मिला, यहाँ x है, x मिल गया, मिलन हो गया, y z बच गया, इसका पहला टर्म इससे मिलाओ ना, तो x तो x मिलन हो गया, तो बच क्या गया, y z बच गया, तो y z लिख दो, जो बच जाता है वो लिख दो, यहाँ न्यूमरेटर में थ्री है, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा टर्म प्लस है, यहाँ मिलान करो, बाई हो गया, बाई हो गया, तो बाई बाई मिल गया, भूल जा, नहीं होता था बाई बाई भुला दो, मिल गया यहाँ से, तो क्या बच गया, एक्स जेड बच गया, तो एक्स जेड हो गया, यहाँ न्यूमरेटर में टू है तो टू, न्यूमरेटर को हमेशा मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ बाई था, यहाँ क्या था, बाई था, भूलना है, याद करना, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, तो जेड जेड का मिल, कोएफिशिएंट का मेथड यूज कर रहा है, जेड जेड का मिलन हो गया, हाँ सर, जेड जेड का मिलन हो गया, तो बच क्या गया, एक्स बाई, तो एक्स बाई बच गया, तो प्लस एक्स बाई लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई थ्री, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, थ्री कर देंगे, ठीक, ये टू है, ये आपका टू है सर, कोएफिशिएंट मेथड यूज कर रहा था, हाँ कुछ 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 वैसी है, ठीक सर। हम लोग पहले थ्री इंटू वाई जेड नहीं लिख सकते हैं, हाँ बोलिए, लिखेंगे लिखेंगे, ये बाई जेड इंटू थ्री है, तो नंबर को हम लोग पहले लिखते हैं, तो थ्री बाई जेड हो गया, एक्स जेड टू है तो टू को पहले लिखते हैं, एक्स जेड टू, एक्स जेड हो गया, थ्री है तो थ्री हो गया, और एक्स बाई हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स बाई जेड, ठीक। नेक्स्ट को अगर सर, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये लाइक टर्म है, बाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स वाई है, तीनों लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया, क्या बोल रहे हैं बाबू नैतिक, सर बाई जेड अगर आगे हो गया और थ्री पीछे हो गया, मतलब एकदम लास्ट में हो गया, तो गलत हो जाएगा मैथ। हमको ये बता, मान लो आपको बिंदी लगाना है तो यहाँ लगाओगे, नाक पे लगाओगे, अच्छा लगेगा, लड़का है बाबू, शर्ट पहनना, शर्ट पहनना है, पैंट के जगह पहन लोगे तो, अलसे पैंट को शर्ट के जगह पहन लो तो, आपको मूर्ख कहेगा तो उसी तरह से तीन को बाद में लिख दोगे तो आप गलत नहीं होगा, लेकिन मूर्खता की पहचान है सर, मतलब खूबसूरत नहीं लगेगा, बोलने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा, है ना,
तो सर हम लोग ऐसे लिख सकते 3 into yz plus 2 into xz। अब वही ना आगे लिखा बाबू, यहाँ पे हम कैसे लिखे, यहाँ पे मल्टीप्लाई सोल्व करके यहाँ ऐसे लिखे हैं, इसको फिर बढ़िया से यहाँ पे लिखे हैं। सर हमने कोएफिशिएंट थोड़ा मेथड यूज किए हैं। अच्छा ठीक है बाबू। हो बाबू नेत्रा, आर यू गेटिंग और नॉट बाबू? हाँ सर। अच्छा राइट डाउन बाबू, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 218 एंड 90। बहुत पिटेंगे सर। हो गया ठीक, हो गया ब्लर आ रहा है, हो गया सर। मैं अभी देख रही हूं, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा ठीक है, लिखो जल्दी से सर। एसएसटी खोले, संकल्प नहीं है, उत्कर्ष नहीं है, दो बच्चा श्वेता साल नहीं, तीन बच्चा चार गो, कुछ भी करना है अब, जैसे गोल गोल भी करना है। जल्दी लिखे बाबू, ये नहीं 218 और 219 क्या बोलते हैं, बता रहे स्पेस नहीं है। बता रहे स्पेस नहीं बाबू, इसीलिए जल्दी लिखो आप लोग। क्या कर रहा निको, कुटाई खोज रहा है जी। अंशिका कहाँ भागे जी, अंशिका 218 में एनवाई लिखे है, 218 में एनवाई लिखे है आंसर में। ये वाला है, इसको अभी बता रहे हैं। 217 का आंसर इधर है, भोला भोले। जल्दी लिखो बाबू, इतना खत्म हो जाए, अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो 50% मेरा मैथ खत्म हो गया, उसके बाद आगे हम लोग सिलेबस अब थोड़ा सा तेजी से, ये अलजेब्रे भर टाइम लगता है, अलजेब्रा और बेसिक, 50% खत्म हुआ, अलजेब्रा और बेसिक में ही टाइम लगता है बाबू। तो बेसिक में तो आपको ऑलरेडी बता चुके जिसका कमजोर है 8 से 9 पढ़ेगा, इसके बाद हम लोग साइंस वगैरह भी शुरू करेंगे, साइंस वगैरह, साइंस भी चलेगा ना सर। एडिशन ऑफ अलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद हम साइंस पढ़ेंगे? नहीं, इसको पूरा ये किताब इसको फिनिश कर देंगे, अलजेब्रा सबट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारा इसमें बहुत सारा भी है ना, जल्दी जल्दी करो ना सर। मैं लिख रही हूँ, थोड़ा फास्ट लिखो बाबू इसका। सर हो गया सर, ये ग्रीन वाला से जो आपने लिखा वही लिख रही हूँ। साइंस में भी पढ़ना है भोली, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, 3.5 साल लगभग है बाबू, 3.5 साल या 4 साल के आसपास में आपका क्लास 10 तक के कवर होगा। देखो 218 कैसे बनाएंगे, है ना, कैसे बनाएंगे सर, मन से पढ़ना आशुतोष। सर मैंने वो वाला बना लिया। आप अपने स्कूल में सब पूछना, टीचर बताएगा अभी नहीं, आपको डरा देगा, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, काय पढ़ रही हो, दिमाग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डरना नहीं है। देखो बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है ना, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो जब डिफरेंट वेरिएबल रहेगा तो एलसीएम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कौन कौन है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंट वेरिएबल रहेगा तो, ठीक है ना। ठीक बोल, एक लाइन ड्रा करेंगे, डिनोटर में क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस लिखेंगे, अब मिलान वाला काम करेंगे, रब ने बना दी जोड़ी, जोड़ी बना, पी पी मिल गया, क्या बच गया, क्यू आर एस बच गया, पी पी मिल गया, क्यू आर एस बच गया, तो क्यू आर एस लिखो, न्यूमरेटर में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट क्यू क्यू मिल गया, तो क्यू क्यू मिल गया तो क्या बच जाएगा, पी आर एस बच जाएगा, न्यूमरेटर में 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करो, आर आर मिल गया,
यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आर आर मिल जाएगा, तो पी क्यू एस हो जाएगा, सेवन से मल्टीप्लाई कर दो, एस एस मिलन हो गया, बच गया क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद क्या करो, फोर को आगे लास्ट वाला डीआई सर जब ऐसे रहता है तो फोर आगे लिख देंगे ना बस। हाँ भोले, तो ये पहले बार आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा है ना, अब फाइनल जब लिखेंगे तो इसको फोर आगे लिख दो, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं बाबू। यस सर। क्यू आर एस सिक्स है, पहले आ जाएगा पी आर एस, और सेवन पी क्यू एस, और एट पी क्यू आर, बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पी क्यू आर एस, एक कछुआ, ए यार वो वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो जी, दिया दिखाई बाबू, तो बंदा आता है कछुआ, हाँ मैं बिचारा तो गर्मी लग, क्या गप कर रहे हो कछुआ, बहुत पीटेंगे, गप करने में खाली लगल रहती है सर, 290 हमें खुद बनाना है, नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं, म्यूट करो बाबू, राजनंदिनी पीछे से बच्चा रो रहा है, जल्दी लिखिए, आशुतोष आ रहा समझ में बाबू, सर यस सर, तेज हो जाना है भोला, सबसे तेज हो जाना है सर, 219 नंबर, कितना क्वेश्चन है भोला बाबू राजनंदिनी, 4 बटा सर 3 बाय x स्क्वायर, 3 बाय x स्क्वायर प्लस 4 बाय y स्क्वायर, यहां समझो सर, सर नीचे वाला मत मिटाइएगा, यहाँ पे भी वैसे करेंगे सर, एलसीएम बाबू किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर का है ना, ठीक, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे बाबू, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है तो यही लिख देना, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल है पावर टू है तो यही लिख देना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, नेक्स्ट भोला, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जो एलसीएम है उसको यहाँ लिख दो, अब मिलान करो क्या क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, बाई स्क्वायर नहीं ना मिला तो बाई स्क्वायर लिखो, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करो, बाय स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर नहीं मिला तो एक्स स्क्वायर लिखो, न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करो, हम लोग नंबर को पहले लिखेंगे, 3 हो जाएगा बाय स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है शांतनी, अच्छा ठीक है, क्यों कंट्रोल कर रहा है मुझको, म्यूट करो बाबू, अंशिका गप कर रही, बहुत कुटेंगे अंशिका सर, नो सर भैया मुझे कंट्रोल कर रहे हैं सर, आ रहा है, अच्छा ठीक, काय से कर रही है अंशिका, काय कर रहा है निको, नेक्स्ट बाबू 220 नंबर, थ्री बटा एक्स स्क्वायर सर प्लस 4 बटा कितना सर, 6 बटा कर लो, 6 बटा बाई स्क्वायर सर, नहीं जी 7 बटा जेड स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे सर, तो उसी तरह से करेंगे, जल्दी से करो बाबू, करते चलो सारा बच्चा मिलकर, हाँ करो करो जल्दी करो जल्दी करो, इंक डाल रहे हैं, इंक खत्म हो रहा है सर, आपको दिखाना भी है करके, मैं कीजिए ना फिर बताएंगे,
सर बोर्ड ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। यस सर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। यस सर अभी ठीक। चलो ठीक है सर अब ठीक हो गया। जल्दी लिखो इंक डाल रहे हैं बाबा दवा में। रोशनी वीडियो कब बंद है बोले? वेरी गुड बाबू मेरा बच्चा सब तेज हो गया। सर रुक रहिए ना रुकिए ना बस एक एक मेथड बाद। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी लिखो बाबू। डन सर। वेरी गुड। देखो बाबू कैसे करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे सर। एक स्क्वायर सब अलग अलग वेरिएबल तो उसी को लिख दो। एक स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक लाइन ड्रा करेंगे सर। वी हैव टू ड्रा ए लाइन बाबू पुट द बाबू एलसीएम इन द डिनोमिनेटर बाबू After then बाबू है ना बाबू यहाँ here is the बाबू also x square which term is missing बाबू y square z square is the missing so you have write down the y square z square at this place now you have to multiply with three again बाबू y square x square z square नहीं है सर तो नहीं है तो इसको write down करो x square z square into six multiply six plus z square है सर x square by square into 7 now you have to babu 3 by square z square plus 6 x square z square plus 7 x square by square are divided by what babu x square by square z square now this is the babu not like term hai na unlike term नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। यहां भी क्या था वेरिएबल डिफर डिफर था है ना पावर सेम था। नेक्स्ट वो जल्दी से राइट ऑन कीजिए इरेज कर रहे हैं। अगर सर एक हिंट यहाँ वेरिएबल डिफर था सारे क्वेश्चन जो भी डिफरेंट वेरिएबल करवाना एक एक टाइप का वेरिएबल रहेगा तो जो भी क्वेश्चन करवा भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है सारे में है ना तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है तो एलसीएम भी हो जाता है सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक के टाइप का वेरिएबल रहेगा उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? लिखेंगे नहीं भूले इसे में रहने दो। 221 जैसे 1 बटा x सर पहले समझना आप प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा x स्क्वायर यहाँ पे वेरिएबल सेम है पावर अलग है ना। अब इसको कह रहा ऐड करने के लिए कैसे करोगे इसको तो कैसे करोगे तो पहले आपको एलसीएम आना चाहिए तो हम लोग एलसीएम किसका लेंगे सर एक्स लेंगे और एक्स स्क्वायर का है ना। अब यहाँ पे दोनों तो एक्स है दोनों तो सेम है वेरिएबल है बाबू स्क्वायर तो एलसीएम मेरा होगा क्या जैसे शांति से
जैसे बाबू अगर कोई आपको ये वाला ऐड करना कहे, अगर 2+1 / कितना 4 अगर ऐड करना कहे, तंते समझो, अगर इसको बाबू कोई ऐड इसी के जैसा है ना, इसको ऐड करना कहे बाबू या 2/6 अरे शांत रहो 4 है या इसी को आपको क्या कहे 2 का स्क्वायर ऐड करो 1/2 + 1/2 का स्क्वायर कैसे ऐड करोगे स्टेप सीखो तो क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे सर है ना और 1/2 कितना है 2 का स्क्वायर है तो हम लोग डिनोमिनेटर में जो उसका एलसीएम लो एलसीएम लेंगे सर किसका सर ऑफ बाबू 2 and 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना होता 4 होता अब 2 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा यही होगा ना अरे शैतान 2 2 का स्क्वायर तो 2 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा तो 2 4 का एलसीएम कितना 4 होता है यही होता है मतलब बाबू जब एलसीएम हमको निकालना रहता है वो तो जो सबसे बड़का पावर है वही होता है एलसीएम सबसे बड़का पावर 2 के पावर 2 है तो एलसीएम मेरा क्या होगा 2 के पावर 2 का वैल्यू होगा अगर कोई कहेगा इसका एलसीएम 2 2 के पावर 2 2 के पावर 3 इसका एलसीएम अगर कोई निकालने कहेगा तो कैसे निकालोगे यहाँ पे समझना बाबू इस तरह अल्लाह मत करो आप मैक्सिमम से पूछोगे ना कन्फ्यूज आ जाएगा 2 2 के पावर 2 2 के पावर 3 का एलसीएम निकालने कहेगा तो इसका एलसीएम अगर निकालोगे भोले तो इसको अगर सिंपलीफाई फॉर्म में लिखोगे 2 2 के पावर 2 कितना 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 4 और 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8 अब 2 4 8 का एलसीएम मेरा कितना आता है सर 8 होगा यही होगा ना हाँ बोले सर 2 का पावर 3 6 होगा 8 नहीं भोले पढ़ती का ना 2 के पावर 3 मतलब 2 3 2 मल्टीप्लाई होता है 3 बार 2 के पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है ठीक है ना पहले वाला क्या बोले सर दूसरा वाला तो आ गया पहले वाला क्या दूसरा वाला पहले वाला बोल रही है सर दूसरा वाला तो आ गया पहले वाला समझ गई अच्छा छोड़ो अगर 6 के पावर 3 है तो मतलब क्या होता है 6 3 बार मल्टीप्लाई होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ऐसे मत कर देना सर अन्य कि 2 के पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 ये नहीं होता 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 समझे सर अन्य समझे जी नहीं समझे जी समझे जी सरनिया नहीं समझे अगर इसका एलसीएम निकालना है 2 2 के पावर 2 2 के पावर 3 तो हम लोग एलसीएम क्या आएगा इसको सिंपल फॉर्म लिखो तो 2 2 के पावर 2 मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 के पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 2 4 2 8 तो 2 4 8 का एलसीएम 8 आ गया मतलब एलसीएम मेरा क्या आ गया जो सबसे बड़का पावर है सर सबसे बड़का पावर वही ना आ रहा है एलसीएम 8 को फिर कैसे लिख सकते हो 8 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अब सेम नंबर वो मल्टीप्लाई रहता है तो जितना बार मल्टीप्लाई रहता है उतना पावर देते हैं तो उसी प्रकार बाबू जब भी सेम वेरिएबल रहेगा पावर डिफर रहेगा तो एलसीएम क्या होगा जो सबसे बड़का पावर होगा वेरिएबल का सबसे बड़का पावर तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक अब एलसीएम एक्स स्क्वायर हो गया पहले शांति से ले देखो जी मैंने बोला था सर एक्स स्क्वायर होगा एक लाइन ड्रा करेंगे क्या लिखेंगे नहीं समझो ना जी सर हम उसे लेकिन आप तो पहले वाले क्वेश्चन में ने ट्राई किया ना क्वेश्चन में बोला सर आप 220 दो बार इनटू करेंगे एक्स इनटू एक्स तो अच्छी हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा अरे भोले मेरी अगर वेरिएबल बाबू सेम रहेगा पावर अलग रहेगा तो एलसीएम कितना होगा जो सबसे बड़का पावर रहेगा वेरिएबल का सबसे बड़का पावर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम ठीक शांति से सुनो लिखा पढ़ी वाला बाद में करना अब एलसीएम एक्स स्क्वायर है भोले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू शांत रहो एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकते हैं आप बताया था नहीं सुरु में एक्स एक बार दो बार मल्टीप्लाई पावर 2 3 बार रहेगा पावर 3 करेंगे ठीक ने सब समझना अब यहाँ एगो एक्स है यहाँ एगो एक्स है तो एगो एक्स मिल गया तो एगो बच गया ना यहाँ एगो एक्स है यहाँ एगो एक्स है तो एक का एगो ना एक्स मिलेगा एगो तो बच जाएगा तो जो एगो एक्स बच जाएगा उसको यहाँ लिख दो यहाँ एक्स के पावर 2 है मतलब यहाँ एक्स 2 बार है और यहाँ दोनों एक्स है यहाँ भी एक्स के पावर 2 है
तो ये मिल गया, तो यहाँ क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, दोनों मिल गया ना बाबू, तो कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा तो मतलब क्या, यहाँ वन लिखेंगे न्यूमरेटर में जो उसको वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी शांति से समझना, अगला क्वेश्चन देखो 222, जैसे टू बटा कितना है एक्स है, अब प्लस थ्री बटा कितना है, मान लो कितना एक्स क्यूब है, ठीक। अब इसको कह रहा है सोल्व करने के लिए, कहा लिखे में भेजिए जी, डिनोमिनेटर में जो है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम बाबू किसका बाबू, ऑफ एक्स और एक्स क्यूब का, तो एक्स एक्स क्यूब का एलसीएम कैसे होगा, सबसे बड़का पावर ले लेंगे वेरिएबल का, सबसे ऐसा ध्यान ध्यान रहो एक्स सर, एक्स बाई एक्स स्क्वायर सर कटता है क्या, नहीं जी शांत रहो शांति से पढ़ो, एक्स एक्स क्यूब तब एलसीएम क्या होगा, एक्स का पावर सबसे बड़का नंबर हो जाएगा, यही हो गया। अब ये क्या करेंगे, लाइन ड्रा करना, एक्स के पावर थ्री लिखना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ किसी भी नंबर के ऊपर पावर नहीं होता था, हम लोग वन समझते हैं, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो बच्चा, जैसा कैसे करोगे, यहाँ एक पावर है यहाँ तीन पावर है, तो कितना पावर ज्यादा है, यहाँ पावर एक है यहाँ पावर तीन है, तो यहाँ पे कितना पावर ज्यादा, तीन माइनस एक दो पावर, यहाँ ज्यादा है ना, यहाँ एक है यहाँ तीन, तो ये कितना पावर ज्यादा है, दो पावर ज्यादा है, ऐसे भी सोच सकते हो, और नहीं ऐसे सोच पा रहे हो तो x को तीन बार मल्टीप्लाई करो, x क्यूब का मतलब कितना, तीन बार मल्टीप्लाई करो, तो एक गो x मिल गया तो दो गो x बच जाएगा ना, दो गो x बच जाएगा, तो दो गो x मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x x क्यूब तीनों मिल गया, यहाँ भी x क्यूब यहाँ भी x क्यूब, कुछ नहीं ज्यादा बच रहा है, तो नहीं बच रहा है तो छोड़ दो, न्यूमरेटर में जो ही खाली लिख दो, है ना, ठीक बोला। एक्स 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 कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, बताया था बाबू बेसिक में बताया था, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना, एक्स स्क्वायर होगा, दो मल्टीप्लाई तो दो आगे लिख देंगे, प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये लिखो चाहे नहीं लिखो, तो इस तरह से ऐड करेंगे, लिखो बोला। कौन दो बच्चा गया, वो आरब गया, केस थ्री है, नहीं बाबू केस थ्री नहीं, उसी में है सर, वहाँ पर आपने तो साइड में लिखा था, आपने मिटा दिया, सर हो गया, हाँ वो क्या है भाई, सर हो गया, सर आपने वहाँ पर x की पावर 2 दी है और 2 इनटू में भी था, ये दो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा ना नीचे सर, यस, ये 3 है ना, यहाँ 3 है तो 3 है, आप लोग को होमवर्क मिलता बाबू तो आज सेंड कर दिया करो, किसी का होमवर्क नहीं आ रहा आजकल, रबिया का खाली भेजी है, नैस्ता भी नहीं भेजी है, ये काव्या भी नहीं भेजी है, कोई नहीं भेजा है, नैतिक भी नहीं भेजा है, आज वाला भेजी, कल वाला भेजी थी काव्या, यस सर कल वाला भेजे थे, आशुतोष का आया है बस और किसी का नहीं आया, सरन्या का खाली राइटिंग आया है, कन्नू का नहीं भेजते हो जी, सर मैंने भी भेजा था, हाँ आपका आया बाबू, आपको चेक करके भेज दिया, क्या हुआ, होमवर्क बना के का नहीं भेजते बाबू, तन्नु पिटाई खोज रही हो, नो सर, रुको मम्मी जी से बात करते थे कल, मम्मी आपको थपी आती है सर, टाइम तो मिलेगा सर होमवर्क करने का, आज इतना भर भर के होमवर्क ही मिला, मैंने तो पापा को बोला भी था, जल्दी लिखे वो एक दिन की संडे या फिर ऐसी फेस्टिवल की छुट्टी मिलती है, उस दिन इतना सारा चैप्टर भी पढ़ के उसके न्यू वर्ड वर्ड भी कर लेना और क्वेश्चन आंसर भी ढूंढ लेना, ये क्या है सर, आपने देखा भी है लेकिन चेक नहीं किया मेरा, अच्छा काव्य आपका नहीं चेक हुआ, हो सकता है, अरे भाई ये क्लास फिनिश होता है उसके बाद 10 मिनट में बना के भेज दिया करो, तब ना चेक कर, कोई अब कल 5 बजे भेजते हैं, देखो 4 बजे के बाद भेजोगे तो चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4:30 बजे के बाद मेरा क्लास हो जाता है, हम लोग चेक करते 4 से 4:30 बजे के बाद आपका कौन सा क्लास है, तमिलनाडु वाला है ना बाबू नेत्रा ऐसा बिजनेस, उसको हिंदी सिखा रहे हैं ना जी सर, कल तो है, मैं क्लास को तुरंत भेज देता हूं सर,
सर आप लिंक तो नहीं भेजते हैं? वो पर्सनल क्लास है भोला, उसमें लिंक क्या भेजना। सर मेरा होमवर्क ज्यादा रहता है इसलिए मैं नहीं कर पाती। जल्दी कीजिए नेत्रा, समझ में आ रहा है भोले? बोलिए बाबू के सर हमको समझ में आ रहा है, बोलो बाबू। हाँ सर। अरे हाँ सर बोल। अब बिजनेस विकास नहीं चली गए, चला गया नेत्रा? हाँ सर देगा। अरे बिजनेस विकास नहीं बाबू, ये दादी घर चली गए क्या? हाँ सर। वेन ही गो बाबू? वेन सर। ओके तो टुडे दे है ना विल नॉट अटेंड द क्लास बाबू, दे हैव वेट सर। कब पहुंचे हैं नेक्स्ट बाबू? सर अभी 2000 सर प्रेयर करने क्यों देते हैं? वो मुझे थोड़ा समझ। करने इसलिए कहते बाबू कि आपको जिंदगी भर काम देगा, तो कहीं सुंदर से लिखा हुआ रहेगा तब ना कोई टीचर पढ़ाएगा तो रिवाइज करोगे जी, और लिख ले नहीं रहेगा तो रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तेज कैसे बनोगे? मेरा तो पूरे 4 नोटबुक्स बने और आप मेरे को बोल रहे हैं पूरे 4 नोटबुक्स बन गए फेयर। अब यहाँ से बना कर लाना है 1/2 सर बाई स्क्वायर I बटा P प्लस 6 बटा P स्क्वायर थ्री बट्टा एक्स, फोर बट्टा एक्स स्क्वायर और प्लस 5/x³। वन बट्टा एक्स प्लस 2/x² प्लस 3/x³ प्लस 4/x⁴। कल इसमें और हम लोग खतरनाक खतरनाक फासा कर लेंगे। बन जाएगा कछुआ, कछुआ बाय सर। बाय सर। बहुत जल्दी सबको जाने में रहता है। होमवर्क है स्कूल का बहुत। कितना टाइम हुआ एक बार ये भी देख लीजिए। मैं क्वेश्चन आंसर खुद बना के लाना। खुद बना के लाना बाबू, आप लोग स्कूल से परेशान। टाइम देखिए ना सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, बच्चा सबका होमवर्क है, वो कभी कभार होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठ के पढ़ो बाबू संकल्प। ए कछुआ कैसे तेज बनोगी भोली? संकल्प नहीं। बाय सर, गुड नाइट।